ये उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि आए हुए थे और इनकी मेन शिकायत ये थी कि पहाड़ीगर बिजलीगर से जो LMB 6 के कंज्यूमर जुड़े हुए हैं उनकी तीन शिकायतें थी मेन। पहली शिकायत ये थी कि डेली 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है विद्युत कटौती करी जा रही है। दूसरी शिकायत ये थी क्या बिना ड्यू डेट के इनका कनेक्शन काटा जा रहा है। तीसरी शिकायत ये थी क्या जो संविदा स्टाफ है वो इनसे सुविधा शुल्क वसूल करता है, अवैध वसूली, और अवैध वसूली न दे तो इनकी लाइन काट दी जाती है। ये मेन तीन शिकायत थी। उन तीन शिकायत की मैंने इसकी जांच कराता हूँ और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैंने इनको आश्वस्त किया है क्या कोई ऐसे आदेश नहीं है जो 1 बजे से शाम तक विद्युत कटौती करी जाए। अगर कोई कटौती करी जाती है जैसे कि जेई ने बताया कि पतंगबाजी होती है तो मैंने जेई को भी ये निर्देश करे हैं अगर पतंगबाजी होती है तो उसका बिल्कुल एविडेंस के साथ हमें अवगत कराए। उसके लिए हम DM साहब और कप्तान साहब से भी मिलेंगे क्योंकि उसमें जान हानि और माल की भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा जो जैसा कि उन्होंने बताया कि संविदा स्टाफ अवैध वसूली करता है उसकी भी जांच करा रहा हूँ। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का हम कार्रवाई करेंगे। संविदा कर्मचारियों पर अक्सर आरोप लगते हैं कि रिश्वत मांगने पर, क्या विभाग की क्या सख्ती रहेगी? विभाग की विभाग के यही इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह की एक्टिविटी से विभाग की छवि खराब होती है। बार बार हम उनके साथ काउंसलिंग भी करते हैं, उनको एक शॉर्ट मीटिंग भी करते हैं, उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे विभाग की छवि खराब हो। और अब उनको बिल्कुल क्लियर कट ये कह रखा है अगर विभाग की छवि खराब होगी तो उससे उसके लिए उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी, उनको तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करा जाएगा। अगर इस तरह की शिकायत नाम से आती है किसी भी संविदा FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मैं संविदा स्टाफ से यही अपील करूँगा क्या जो भी उनको नौकरी मिली है उसका कड़ाई से अपनी नौकरी नियमानुसार नौकरी करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे विभाग की छवि खराब हो।